ज्वाइन कर लिया है, मोहम्मद सोमालिया, किस तरीके से आपकी प्राथमिकता रहेगी शहर को लेकर? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सौम्या भगवान श्री गोविंद देव जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी को नमन करते हुए, और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी जयपुर की जनता ने मुझे दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं आज एक प्रण भी करती हूँ, अपने साथ ब्रज की मिट्टी श्री कुंड की रज जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों की रज यहाँ लेकर आई हूँ, और साथ ही महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी की मिट्टी यहाँ लेकर आई हूँ, और इसके सामने इसको आप सबके समक्ष रखते हुए ये शपथ भी लेती हूँ और ये प्रण भी करती हूँ कि जिस तरह महाराणा प्रताप हल्दी घाटी की इस मिट्टी के लिए और अपनी आन और बान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और हिंदुस्तान की अस्मिता के लिए उसकी गौरवमय इतिहास की रचना की, उसी तरह मैं डॉक्टर सौम्या इस नगर निगम में जयपुर ग्रेटर को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ूंगी। साथ ही यह भी कसम खाती हूं कि इस नगर निगम में भ्रष्टाचार ना तो करने दूंगी, ना खाऊंगी, ना खाने दूंगी। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने कसम खाई थी वैसे ही मैं कहती हूँ कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगी। मैं मेरे जयपुर ग्रेटर को सबसे श्रेष्ठ पूरे भारत में एक अच्छी सिटी के रूप में, एक अच्छे शहर के रूप में ये जाना जाएगा, और एक नंबर पे पहले इंदौर हुआ करता था, और अब मेरे कार्यकाल में आप सबके सहयोग से ये हमारा जयपुर शहर एक नंबर पर लेकर आ गया। देखिए सर्वप्रथम तो चुनौतियाँ, जब तक चुनौतियाँ सभी के सामने होती है, और हम ये मिट्टी और ये जो ये मेरा संभल बनाए रखेंगे, इस चुनौतियों से डट के लड़ेंगे, डट के मुकाबला करके इस जयपुर शहर को नंबर एक पर लेकर आएंगे। स्वच्छता के क्षेत्र में जो कार्य है, अभी मैंने रास्ते में आते हुए भी देखा और भी देखती रहती हूँ, जिस तरह गड़बड़ियां पाई गई है, तो मैंने इंगित भी कर दिया है कि ये सब अब नहीं चलेगा नगर परिषद नगर निगम के अंदर। और नगर निगम को कई बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आप भ्रष्टाचार कहने की बातें होती है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मन में विश्वास और अगर संकल्प ले लिया तो कोई भी नहीं रोक सकता कि इस जयपुर शहर, इस जयपुर ग्रेटर को ग्रेट बनने से। और आपके सामने उदाहरण भी है, आप सभी लोग जानते हो, मेरे पति ने भी करौली नगर परिषद के अंदर बिल्कुल ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आप वहां जाकर पता कर लीजिए, इतिहास गवाही है उसका, उनके 5 साल के कार्यकाल का। हाँ विपत्तियां आई, चुनौतियां बहुत आई, परेशानियां आई, सबसे डटे रहे हम लड़े पर हम झुके नहीं, और जिस तरह उन्होंने करौली की जनता की सेवा की, जिस तरह मदन मोहन जी की नगरी की मेरे पति ने सेवा की, वैसे मैं इस गोविंद देव जी की नगरी की मैं सेवा करके इसको सर्वश्रेष्ठ बनाने का साहिब। आपने कहा मैं खाऊंगी ना खाने दूंगी जी, बहुत अच्छी बात है, हमारी तरफ से शुभकामनाएं, लेकिन आपके मुख्यालय के सामने ये देखिए अवैध दुकानें बन रही है, निकलते ही सामने और आपके अधिकारी मिले हुए हैं, विजिलेंस को पता है, डीसी को पता है, कमिश्नर को पता है, ये सामने निकलते देखिए आप क्या मान जाए, ये मैं कम से करेंगे आज अभी से उन पर कार्रवाई होगी, जैसे ही अभी अधिकारियों के साथ मीटिंग करके, और जो अगर इसमें भ्रष्ट और लिप्त पाए गए उनको तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जीरो साइड बैक पे यूनिवर्सिटी मार्ग पे बन रहा है, अधिकारी बन रही है। बिल्कुल, अभी आपको इस चीज का भी मैं विश्वास दिलाती हूँ कि ऐसे अवैध निर्माण ना तो होंगे ना होने दूंगी, और गरीबों का हमेशा साथ, जिसके साथ कोई नहीं होता है उनका साथ हम देंगे, उनका हर काम करेंगे, सारे काम, कोई भी काम रुकने नहीं देंगे। जो अपने आप को अमीर और ऐसे समझते हैं या बहुत बड़ी अप्रोच वाले समझते हैं, तो उनका कोई भी इलीगल काम कभी भी नहीं होने देंगे, ना कभी सपोर्ट करेंगे उनको।
टारगेट बढ़ गई है, अब आपका अगला उद्देश्य क्या होगा, अगला लक्ष्य क्या होगा? आप विधायक का चुनाव लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे? देखिए मैं जयपुर की जनता ने मुझे सौभाग्य दिया है, इस पिंक सिटी के अंदर मुझे सबसे ऊंचे पद से मुझे नवाजा है, उसके लिए तहे दिल से जयपुर की जनता को, भारतीय जनता पार्टी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे प्रदेश नेतृत्व को, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, सभी को धन्यवाद। और साथ ही इसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। सबसे पहला काम होगा स्वच्छता। स्वच्छता के अंदर भी जो है डोर टू डोर कचरा संग्रहण की गाड़ियां आजकल नहीं चल रही है। मेरे सवाल का आपने घुमा दिया, दे रहे उसी पर आ रही हूँ। डोर टू डोर कचरा संग्रहण है तो बीबी जी को हम ये भी उनको भी नोटिस देंगे, वो भी अपने आप को ऐसे नहीं समझे कि उनकी अप्रोच ऊंची है तो उनका जो ये सब कुछ चलता रहेगा, नहीं चलेगा। अब उनका भी पूरा काम है, काम के तरीके से करना पड़ेगा, पूरे जयपुर को स्वच्छ करना पड़ेगा। और आज ही मैं सबसे पहले गौ माता की पूजा करके और ये संकल्प लिया था कि मैं स्वच्छता में हमेशा अपना तो समय दूंगी और साथ में पूरे नगर वासियों से, पूरे जयपुर वासियों से मेरा अनुरोध है कि आपके स्वच्छता के संकल्प के बिना नगर निगम अकेला नहीं कर सकता, सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा। और सबसे प्रथम तो मेरा लक्ष्य ये है कि इस जयपुर ग्रेटर को सही मायने में ग्रेट बनाया जाए, यहाँ चाहे स्वच्छता हो, यहाँ सुरक्षा हो और यहाँ स्वास्थ्य हो। कोरोना का समय चल रहा है, सबसे बार बार अनुरोध भी करती हूँ, हम जन जागरण के प्रोग्राम चलाएंगे, जहाँ मास्क वगैरह सैनिटाइजेशन का अभाव होगा वहाँ नगर निगम अपने द्वारा जो है इस तरह के प्रोग्राम हम चलाएंगे और सारे कार्य किए जाएंगे। और चुनाव लड़ना और ये नहीं है, मेरे को काम है, मेरा काम है जयपुर की सेवा करना, देश की सेवा करना, राष्ट्र सर्वोपरि है मेरे लिए। और उसके लिए और मेरा तो एक वाक्य है कि देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। आपके ऊपर पहले भी महाआरोप लगा थे कि कर्मचारियों को घर बुला के पिटाई किया, तो क्या जयपुर से भी ऐसा आप करेंगे क्या? ये इसमें भी इतिहास साक्ष्य गवाही होंगे और सब जानते हो, आप सब समझदार हो और आप सबकी जांच जो पूरी है, कह रही हूँ परेशान करने का षड्यंत्र, जब नए काम की शुरुआत करते हैं साफ नीयत से हम आगे बढ़ते हैं या सही काम करते हैं तो बाधाएं आएगी ही आएगी, और बाधाएं वो उपस्थित जिन लोगों ने की है तो भगवान उस चीज का निराकरण भी करता है, जनता साथ में है। और आप वहां जाकर पूछिए करौली के अंदर कि किस तरह वहां विकास किया। तो ये अगर चुनौतियां तो आती रहेगी और चुनौतियों से डट के मुकाबला करेंगे, डरने वालों में से नहीं है, डरने वालों में से नहीं है। सफाई सफाई स्वच्छता इस जयपुर ग्रेटर के लिए जो बेहतर बन पड़ेगा करेंगे, पर आप मास्क लगा के रखिए। मैडम आपके पति राजनीतिक क्षेत्र से हैं तो नगर निगम में उनका कितना हस्तक्षेप रहेगा? नगर निगम में मेरे पति ने मुझे पूर्ण स्वतंत्रता के साथ में पूरा यहाँ मैं प्रखर नागरिक बन के आई हूँ, उनमें से नहीं हूँ। मेरे पति का आशीर्वाद, हालांकि उनको कोविड है, वो हॉस्पिटलाइज है, पति का पूरा आशीर्वाद लेकर उन्होंने कहा कि सौम्या ऐसा काम करके दिखाओ कि लोग जयपुर के निवासी सब बोले कि हाँ सही में प्रथम नागरिक का पूरा पूरा धर्म निभाया। तो मैं अपना धर्म अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ में, अपनी ईमानदारी के साथ में निभाऊंगी। कहने की बात, नगर निगम की जो है मेयर तो मैं ही करूंगी, उनका स्थिति थोड़ी रहेगा, क्यों रहेगा? आप बताएं आप क्यों रहेगा? नगर निगम की इकोनॉमिकल कंडीशन उसको आप बेटर करने के लिए सबसे पहले क्या? देखिए बिल्कुल, ये मैंने अभी कल ही पूरे कागज वगैरह यहाँ देखे थे, निगम की आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही खराब है, और उससे राजस्थान सरकार से भी निवेदन करती हूँ कि वो ऐसे पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं हो। अब आप ये देखिए कि जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज दो भागों में बांट दिया, पर जयपुर ग्रेटर के अंदर उन्होंने 3000 कर्मचारी दिया, जयपुर हेरिटेज के अंदर 4000 कर्मचारी है। तो ग्रेटर नाम से ही पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से ग्रेटर ज्यादा बड़ा है, तो सफाई कर्मचारी यहाँ हमें ज्यादा मिलने चाहिए थे, ना कि हेरिटेज को। तो राजस्थान सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वे नए जो वैकेंसीज है वो निकाले, नए सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो, और पुराने सफाई जो अभी भर्ती पिछली की है तो उनके कुछ बकाया है या वो परेशान हो रहे हैं तो हमें उनका निराकरण करना चाहिए। और अगर सरकार के द्वारा विलंब हुआ तो हम अपने स्तर से सफाई कर्मचारी जो है हमारे स्तर से हम सफाई करवाएंगे नगर निगम को। भुगतान करने के लिए आपका पहला प्रयास क्या रहेगा?
देखिए सबसे पहला जो है नगर निगम में जिस तरह कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिकल जो कंडीशन है उसके लिए हमारे कहीं निगम के कुछ अधिकारी जो है उन्हीं की ही वो ढुलमुल नीति ही है कि जिससे पूरा रेवेन्यू जो कलेक्शन है वो नहीं हो पा रहा है, यूनिट टैक्स हम नहीं वसूल कर पा रहे हैं और हम अनैतिक, मैंने देखा कि वहाँ कर्मचारी जिसका मकान छोटा सा मकान बन रहा है वहाँ तो वो चार बार पहुंच जाते हैं कार्रवाई करने के लिए, निगम से आए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है वहाँ अपना इन्वॉल्वमेंट हस्तक्षेप जो बनाए रखे वो वैसा रवैया अपना छोड़ दें और साफ नियत से सही तरीके से करें और रेवेन्यू जो जनरेट के जो और सारे उपाय होंगे वो सारे निगम के द्वारा किए जाएंगे। और हम केंद्र अगर हमारा पुराना जो टैक्स है उसकी ही पूरी वो हो जाए, हमें वसूली हो जाती है तो वो ही अपने आप में काफी है और उसके साथ में हमारे जेडीए के द्वारा जो पुराना हमारे उनके पास में बकाया है निगम का वो हम उनसे मंगवाएंगे। अब तक किसी को परवाह नहीं है कि हमारा क्या जा रहा है, सभी की जेबें भरी जा रही है, अब ये नहीं चलेगा। फिलहाल कोई टैक्स लगाने का विचार नहीं है और टैक्स लगाने का नहीं है, जो स्कूल बच्चों के फीस माफ किया है जिन स्कूलों ने उनसे हम टैक्स नहीं लेंगे, उनको हम टैक्स मुक्त करेंगे, उनसे यूपी टैक्स नहीं लिया जाएगा। सबसे ज्यादा यूपी टैक्स बकाया है बात क्षेत्र हमारा, हम बंटवारा वो सब नहीं कर रहे हैं, गोविंद देव जी और हमारे गणेश जी को बांट दिया ये भी हमारे संतोष से है नहीं हो रहा है, तो हम जेडीए जो है जेडीए के पास में भी हमारा बकाया है निगम का तो वो भी हम उनको बोलेंगे और साथ में मिलकर काम करेंगे। सभी संस्थाएं सब साथ में मिलकर अपने आप को आका अगर बना लेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे के साथ से हम काम करेंगे। भाई साहब जग जाहिर वाले अरुण जी थोड़ा सा थोड़ी सी जगह बनाइए, सभी के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार है। घर आएंगे और इसके साथ हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, इसके साथ में धूप बत्ती है जिसमें धूप जो हमारे पर्यावरण को शुद्ध करती है और इसी के साथ में लक्ष्मी और गणेश जी की गोबर गणेश तो लक्ष्मी का निवास होता है तो ये सब आप सबको और मेरे सारे पार्षदों को हम जो है ये सभी को दिया जाएगा दीपावली के इस मौके पर। आप सब इनकी पूजा कीजिए और साथ में संकल्प कीजिए कि जयपुर को एक अच्छा जयपुर बनाए और जयपुर से कोरोना जो है वो उसका निवारण हो और हम सब सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे और आप सबको दीपावली की आगे हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you.